जैसे हम लोग सोचे थे कि जो काउंटर है काउंटर जो हम लोग सीधा सोच रहे थे इधर सीधा हो जाए। तो आपने प्रशासन के सिलसिले में बात की? हाँ, प्रशासन के तरफ से भी बात की। क्या कहना है? वो लोग आए हैं, बोले हैं कि इधर का जो घाट है वो जो है वो लोग जो जी आपका जल पथ परिवहन वाला वो लोग से आप बात करिए, अगर वो लोग मान लेते हैं तो हम यहाँ बना देंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उससे आप लोग को बात करना। तो आपकी आप लोग गए थे उनसे बात करने के लिए? फिलहाल तो हम लोग वही सब प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम के बाद अब मिलेंगे मिलेंगे। तो ये अगर बड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तरफ से सीपीटी को दिए थे जी, हाईकोर्ट में भी दिए हुए हैं जी। देखिए तो लगे रहिए, एक रोज लगे रहिए। ये सिर्फ काउंटर को हटाना है और काउंटर को हटा करके जेटी को हम लोग को ऐसे लाना। अभी अभी हमारे कैंप में जनता टीवी के तरफ से जो पधारे हैं उनका मैं सबसे पहले अपने समिति के तरफ से और समिति के सभापति और समिति के सभी सचिव महोदय और सभी समिति के सदस्यगण से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे पास इस तरह का सुनहरा मौका मिला है। इस तरह से अगर हमारे पास लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम सभी और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हम प्रशासन का, यहाँ के सभी प्रशासनगण और यहाँ के सभी स्थानीय लोगों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिन लोगों ने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से जिस तरह से हमारा सहयोग दिया है उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारी समिति सबका हमेशा सदा आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। मैं गार्डनी जल कल्याण सेवा गार्डनी महानगर जल कल्याण सेवा समिति का एक सदस्य हूँ। सदस्य क्यों नहीं कहूँगा बल्कि एक सेवक हूँ और सेवा करना ही हम लोगों का एक धर्म है। हमारी सभी की समिति के सदस्य जो है आपस में मिलजुल कर सेवा का भाव करते हैं, सेवा का काम करते हैं और इस सेवा के भाव से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरह से आप लोग हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं उस तरह से आगे भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे और इसके लिए हमारी समिति और समिति के सभी सदस्यगण और हमारे सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार साहब, समिति का एक माननीय सदस्य और सेवक, आप जनता टीवी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यहां पर अपना कीमती समय निकालकर हमारे समिति के कैंप में पधारे हैं और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी पूजनार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं उनका बहुत बहुत आभार, उनके प्रति हमारी शुभकामनाएँ। और आज यहाँ जो हमारे बीच जनता टीवी के लोग पधारे हैं उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेवाराम शर्मा, इस समिति का गार्डनीज महानगर जन कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष, सबको शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस पावन पर्व पर। धन्यवाद। बिचाली घाट, और हम लोग इस समय बिचाली घाट में है और आप जैसा कि जानते हैं छठ पर्व चल रहा है और घाट कच्चा घाट और पक्का घाट। अच्छा, तो ये कच्चा घाट, ये कच्चा घाट। अभी हम लोग जो है वो कच्चा घाट में है और यहाँ पर दो घाट है और दोनों घाट में जो है छठ बीती आते रहते हैं। और आप कुछ सीन्स भी देखिए घाट का, किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। और ये दो घाट है, एक उधर है, ये कच्चा घाट। यहाँ भी वो सभी चीज़ें होती रहती है, यहाँ भी वो पूजा करने लोग आते हैं। और ये जो कमेटी आप लोगों की है गार्डन डिस्पेंसरी जन कल्याण से, आप देखिए सारा का सारा यहाँ जो आयोजन होता है वो गार्डन बीच महानगर जन कल्याण सेवा समिति की ओर से आयोजन किया जाता है। आपने देखा इससे पहले भी जब हम बिचाली घाट में थे वहाँ भी यही कमेटी के लोग थे, सारा चप्पल से रखने से लेके सारा काम ये लोग करते हैं। और यहाँ भी हम जो वाइस प्रेसिडेंट उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। सर ये बताइए कि ये सारा काम आप लोग जो करते हैं, देखा जा रहा है कि चारों गार्डन बीच महानगर जन कल्याण सेवा समिति ही छाया हुआ है, तो आखिर क्या कारण है बताया दूसरी कमेटी? हम लोग छठ पूजा से शुरू किए थे और अभी हम लोग कम से कम यहाँ 6 प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कच्चे घाट का जो हम लोग का प्रोग्राम है केवल ये इसी छठ पूजा में है, बाकी सब हम लोग का वहाँ की घाट जो है बहुत चौड़ी कम है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश किए।
बहुत कोशिश कर रहे हैं कि घाट को चौड़ा करें, लेकिन असफल हो रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। इसको बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो हम लोग सोचे थे कि जो काउंटर है काउंटर जैसे को हम लोग सीधा सोच रहे थे इधर सीधा हो जाए। हाँ, तो आपने प्रशासन से इस में बात की? हाँ, प्रशासन की तरफ से भी बात की। क्या कहना है? वो लोग आए हैं, बोले हैं कि इधर का जो घाट है वो जो है वो लोग जो जी आपका जल पथ परिवहन वाला वो लोग से आप बात करिए, अगर वो लोग मान लेते हैं तो हम यहाँ बना देंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उससे आप लोग को बात करना। तो आप लोग गए थे उनसे बात करने के लिए? फिलहाल तो हम लोग वही सब प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम के बाद मिलेंगे मिलेंगे तो अगर बड़ा हो जाए तो अच्छा। सीपीटी की तरफ से सीपीटी को दिए थे जी, हाईकोर्ट में भी दिए हुए हैं जी। हाँ, तो लगे रहिए एक रोज लगे रहिए। ये सिर्फ काउंटर को हटाना है और काउंटर को हटा करके जेटी को हम लोग को ऐसे लाना है तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से वहाँ तक आपका घाट चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोनों आदमी का प्रोग्राम होता है, हिंदू मुस्लिम सब सभी का होता है, लेकिन घाट इतना छोटी है नहीं हो पाता, संभव नहीं हो। ये जैसे जेटी हटाने से कोई समस्या है या नहीं? समस्या कोई नहीं है, लेकिन अगर वो लोग मान लेंगे तब तो ये काउंटर ही एक समस्या है। काउंटर जो है जेटी जो है जेटी वो उधर ले जाना। एक लंच यात्री लोग का जो आना जाने का समस्या बहुत ज़्यादा है, हम लोग सोचते लंच का सीधा चले सीधे पहले जाता ही था। ये घाट ठीक है ना? हाँ, ये पहले लंच जो है यहीं से सीधे जाता था जी। हम लोग जब बचपन छोटे थे तो यहाँ से नौका जाता था, नौका से भी छोटा लंच हुआ, अभी बड़ा लंच होकर से होते जाना। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम लोग जगह काफ़ी ये तो अभी इस साल बहुत कम जगह मिल, ज़्यादा जगह मिल रही है, नहीं तो उतना जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि बांस वो लोग का जो बांस पूरा यहाँ है, यहाँ से पूरा बांस इनका बड़े बड़े व्यापारी लोग बांस वाला, तो वो लोग हटाने के लिए हम लोग को थाना पुलिस करना पड़ता है, तभी लोग हटाते हैं। इस बार तो हटा दिया, इसलिए कि इन लोग का माल नहीं आ रहा है, माल का शॉर्टेज है, इसलिए बांस यहाँ पे। पक्का घाट ले, पक्का घाट नहीं तो यहाँ आपने जैसा कि सुना ये गार्डन बीच महानगर जनकल्याण सेवा समिति के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्होंने कुछ समस्या की बातें रखी है। जैसे उनका कहना है कि छठ पर्व धीरे धीरे यहाँ बड़ा एक तरह से हो गया है और वो जो घाट है वो छोटा पड़ रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि पूरा दोनों को मिला के एक बड़ा घाट कर दिया जाए ताकि लोगों की परेशानी नहीं हो, उनकी समस्याएँ दूर हो जाए, और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूजा के बाद वो फिर जो है जल परिवहन मंत्रालय से बात करके और वो चाहेंगे कि ये जेटी कहीं और शिफ्ट हो जाए और ये दोनों घाट को मिला दिया जाए। बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सभी सदस्यों को भी धन्यवाद। हम फिर दोबारा दूसरे अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।